कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री मनु महाराज के तीन बेटी बेटियाँ और दो बेटे हुए हैं। दो बेटी में एक बेटी का नाम है देहूती। जिस समय भगवान श्री कर्दम श्री पितामह ब्रह्मा जी अपना परिचाई से उन्होंने श्री कर्दम ऋषि को उन्होंने साधित प्रकट की। जब कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की भगवान संतुष्ट हो करके दर्शन दिया। बोले बेटा वर्मा को क्या चाहते हो? बोले आपकी चरण में मैं भक्ति करूँ। बोले तथास्तु। और कोई चीज़ चाहिए? बोले ठाकुर जी आपकी इच्छा है ये संसार का सृष्टि बढ़े धीरे धीरे। बोले हाँ। बोले मेरे मन में तो कोई घर गृहस्थी की इच्छा ही नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है ये संसार का क्रम बढ़े, इसलिए मैं शादी कर सकता हूँ, लेकिन दो शर्त पर। बोले बताओ क्या शर्त है? बोले पहला शर्त है आप अगर मेरे घर में बेटे बन करके आओगे फिर मैं शादी कर सकता हूँ। बोले तथास्तु। बोले द्वितीय बार बताओ। बोले तब तक ही घर गृहस्थी करूँगा जब तक घर में संतान नहीं होगा, जब बच्चा हो जाए फिर हम भगवान की आपकी भक्ति करने के लिए चल पड़े। बोले कोई बात नहीं बेटा तथास्तु। जब श्री मनु महाराज ने अपना बेटी कत श्री देहूती को कर्दम ऋषि को साथ में शादी करा दिए, उसको बाद में फिर कर्दम ऋषि भजन में बैठ गए, फिर 10,000 साल भजन किया और माता देहूती अपनी पतिव्रता धर्मों को पालन करते हुए उसने पति की बड़ी सेवा की। देखो जो स्त्रियाँ सचमुच से पति की सेवा करते हैं इनमें पति भी ऐसे भक्त होने चाहिए, हैं? इसलिए अगर जो माता है पति को ऐसे भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, देखो ये पतिव्रता धर्म की कितनी शक्ति है। जब 10,000 साल के बाद में इनकी भजन आँख खुली, कर्दम ऋषि भूल गए थे मैंने कभी शादी भी किया है, सामने देखा एक बुढ़िया बैठी है। बोले तू कौन हो? बोले आपको याद नहीं आपने कभी शादी किया हो? बोले वो तुम वही कर्दम वही देहूती। बोले हाँ मैं वही गई हूँ। बोले तुम एकदम वृद्धा हो गई बूढ़ी हो गई, लेकिन ये जो आकूति देहूती प्रसूति ये तीनों बेटी इतनी सुंदरी थी, जब ये अपना आंगन में खेलती थी स्वर्ग के देवता भी इनकी सुंदरता देकर मोहित हो जाते थे, लेकिन आज उसने पति की सेवा करते करते एकदम वृद्ध हो गई। बोले बताओ तेरे को वर क्या चाहिए? बोले भगवान से क्या वर मांगे थे? आप अगर मेरे बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूँगा, यही वर मांगे थे ना? बोले हाँ। बोले अभी ठाकुर के बेटे बनकर आए ही नहीं। बोले एक काम करो, ये बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो। स्नान करके वहाँ से जब निकली, पहले जितने वो सुंदर थी उससे भी ज़्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई और 1,000 दास दासियाँ प्रकट हुई। बड़ी सुंदर उन्होंने श्रृंगार की माता देहूती को, तो उन्होंने अपना मन से एक विमान प्रकट किया है जिसका नाम था कामक विमान। कहते अभी का जो साइंस ने एडवांस की है, पहले अगर साइंस देखोगे ना इससे भी ज़्यादा एडवांस था। रावण का पुष्पों का विमान था आप देखे होंगे ना, जिसको माता सीता को उठा करके ले गया था। इसलिए इन्होंने जो विमान प्रकट किया उसका नाम कामक विमान, मतलब क्या है? बोले उसमें
पेट्रोल और डीजल की कोई जरूरत नहीं, वो जैसे इच्छा करे वो विमान वैसे ही उड़ता रहता था। वहाँ पर वर्णन आया है कितने क्रोश होता को विमान, जिसमें सुंदर सरोवर है, राजहंस जिसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, चार तरह का कमल फूल खिला हुआ। वो विमान में कोई बैठेगा तो कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बूढ़ी नहीं होगी, और वो विमान में जो बैठेगा कभी उसमें ठंडा भी नहीं गर्मी नहीं, और उसमें जो बैठेगा उसको कभी भूख नहीं लगेगा। आप बताओ ऐसे अभी कोई विमान निकला है? और उनने उसी विमान में बैठ करके आकाश में उड़ते रहे। बड़ी सुंदरी सुंदरी उनकी नाठो कन्या जन्म हुई। करदम ऋषि बोले देवती अभी तो खुश हो गए, नौ तुम्हारी कन्या बेटी हो गई। बोले बेटियां तो शादी करके अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी मेरे पास में कौन रहेगा? तब उन्होंने करदम ऋषि को सेवा की तो ठाकुर जी स्वयं इनके घर में श्री कपिल भगवान रूप में आए। बोले श्री कपिल भगवान की। अभी उन्होंने ठाकुर जी से वर मांगे थे, तब तक संसार में रहूंगा जब तक घर में बच्चा नहीं हो जाए। अभी करदम ऋषि किंतु लेकिन घर में नौ नौ कन्या आई है, हमको घर में बेटियों का कभी शादी दिए होंगे, घर में एक बेटी को शादी दो ना देना घर खाली हो जाता है। दहेज रूप में हमारे भारत में इतने दहेज की प्रथा है। आज जिसकी घर में नौ नौ कन्या हो आप बताओ नौ बेटी को शादी करना कितना कठिन है। लेकिन कहते करते हो तुम कन्या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। कहते जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान सब व्यवस्था खुद करते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी उनको जो 10 बेटे थे, कहते श्री नारद तो बचपन से बैरागी, उनको जो 9 बेटे थे एक समय 9 बेटे को लेकर के उन्होंने करदम ऋषि को दर्शन के लिए आए। इनके पास में 9 बेटियां, इनके पास में 9 बेटे। देखा भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, शुभम शीघ्रम शुभ कार्य को जल जल कर दो। एक साथ में 9 बेटे 9 बेटी शादी हो गए, घर एकदम खाली हो गया। अभी करदम ऋषि भजन करने के लिए जा रहे हैं, तब हमारे टीकाकार लोग यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले तुम भजन करने के लिए किसको जा रहे हो? बोले भगवान को। बोले भगवान का तेरे घर में ही जन्म हुए है, फिर बाहर कहाँ भगवान ढूंढने जा रहे हैं? यहाँ पर शिक्षा दिया है जब तक हम साधन नहीं करेंगे तब तक हमें साध्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगा, इसलिए साधन हमें करनी चाहिए। अगर साधन के बगैर भगवान अगर हमें मिलेंगे तो वो मिलने में ज़्यादा कोई लाभ नहीं है। उदाहरण दिया रावण को भी राम देख दर्शन किए हैं, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं होने का नाते उनका दर्शन करने का कोई फायदा नहीं है। कंस भी कृष्ण को देखा है, चारणों मुष्टि को भी कृष्ण दर्शन किया है, लेकिन इनका कोई लाभ नहीं हुआ। बोले क्यों लाभ नहीं हुआ? कारण है इनके हृदय में भगवान के प्रति भाव नहीं था, प्रेम नहीं था। इसलिए महाप्रभु कहते हैं बोले प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन, दास करी देह मरे कृष्ण प्रेम धन। अगर जीवन में हमारी कृष्ण प्रेम नहीं है कहते जो जीवन है ये जीवन दरिद्र जीवन है, ये जीवन का कोई महत्व नहीं। इसलिए घर में आज ठाकुर जी रहते हुए भी आज करदम ऋषि घर में ठाकुर जी को छोड़ करके अभी जंगल में भजन करने के लिए गए। बोले ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? कहते भगवान के प्रति इनकी जो भावना है, भगवान मेरे प्रभु मैं इनका सेवक हूँ, लेकिन अभी घर में भगवान ही बेटा बन करके आए। अगर बेटा बन करके आए तो अभी बेटे रूप में देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वात्सल्य भाव उमड़ रहे हैं हृदय में, देखा रस में लड़ाई हो रहा है। तीसरा कारण बताए, इनको पता था एक दिन ये कपिल मुनि भी एक दिन ये घर छोड़ करके चला जाएगा। अगर भगवान घर में भगवान बेटे बन करके आए, अगर घर छोड़ करके चले जाए कितने दुख की बात है।
बोले तुम जाने से पहले मैं भी घर छोड़ करके जा रहा हूँ। जब चले गए इतने में घर में माँ और बेटे केवल दो व्यक्ति हैं। लेकिन देखो ये ज्ञान ऐसे की चीज है जिसकी अंदर में ज्ञान हो, ये ज्ञान उसको सबसे बड़े बनाता है। अगर बेटा अगर सन्यासी बन जाता है, माँ भी बेटे को प्रणाम करता है, पिता भी बेटे को प्रणाम करता है, ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। इसलिए एक दिन माँ स्वयं अपना बेटे को पास में आती है, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, कभी पियर में, कभी ससुर घर में, कभी बेटा में, कभी बेटी में, कभी संसार में, ये मन बड़ा चंचल मन है। ए बच्चों, ये बच्चे सब बैठे, चुपचाप बैठे वहाँ पर, कोई इधर उधर भागेगा नहीं, जो भागेगा यहाँ से निकाल देंगे उसको। सब मुंह में हाथ लगा करके बैठे सबके सब, इसलिए सबके सब बैठ जाओ, कोई बात नहीं करना, जो खड़ा होगा उसको यहाँ से निकाल देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। अभी माँ प्रश्न कर रही है बेटे से, बोले बेटे मेरे को ऐसे ज्ञान की बात बताओ जैसे मेरी बेड़ा पार हो जाए। ये तो भगवान की माँ है, वो साधारण तो थी नहीं, लेकिन भगवान हम लोगों को उद्देश्य करते हुए उन्होंने माँ को उपदेश देते हैं, बोले माँ ये जो मन है ये सब कुछ है, यही मन ही बंधन का कारण और यही मन ही मुक्ति का कारण है। जब ये मन को विषय में लगा दो, ये मन बंधन का कारण बनता है। जब इसी मन को हम भगवान की भजन में लगा दे, ये मन फिर मुक्ति के कारण बन जाती है। इसलिए हमारी 11 इंद्रियां हैं, बोले 11 इंद्रिया में मैन कौन है, बोले ये मन है। जैसे ये मन ने बोला चलो भागवत कथा हो रही है, कथा सुन करके आते हैं, देखो सबके सब यहाँ पर आकर के बैठ गए। अगर ये मन बोलता है कथा से क्या मिलेगा, आज बढ़िया सीरियल आ रहे हैं, टीवी में फिल्म देखेंगे, चलो देखना ये मन क्या करता, फिर वो टीवी देखने लग जाते, नहीं तो बैठ करके दुनिया की बात करते। इसलिए भगवान बोले माँ जो मन है ये मन को सही करनी चाहिए। इसलिए हमारे गुरुजी के गुरुजी कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो, जूती लेकर के ये मन को 100 बार पीटो। मतलब क्या है, ये मन को समझाओ, बोले मन आज 3 साल भगवान की भजन करना, हरि नाम करना, भगवान की कथा सुनना, ये जीवन दुर्लभ जीवन है, समय को नष्ट नहीं करनी चाहिए, बैठ करके दुनियादारी बात नहीं करना। इसलिए बोले माँ ये मन को क्या करो, ये मन को मनमोहन में लगा दो और यही मन ही मुक्ति का कारण बन जाएगी। बोले बेटा तू तो बोल दिया ये मन को भगवान के चरण में लगाओ, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, ये मन तो बड़ा चंचल है। बाई को हम रोक सकते हैं लेकिन मन को हम रोक नहीं सकते, ये मन मन इतने चंचल है मन। इसलिए बेटा बताओ ये मन को भगवान की भजन में कैसे लगाए, बोले माँ ये मन को तुम सत्संग में लगाओ। सबसे सरल उपाय है मन को अगर तुम सत्संग में लगाओगे, प्रभु की भजन में लगा दोगे ना, ये मन आसानी से ही ये भजन में लग जाएगा। इसलिए कहते ना संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी।
वो जो मेरी कथा करते हैं बड़े ताकतवारी कथा है, वो कथा को जब धीरे धीरे तुम सुनोगे, ठाकुर का प्रति पहले श्रद्धा होगा, उसको बाद में भाव होगा। अरे एक दिन कथा सुनते सुनते तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे, ठाकुर के प्रति तुम्हारी प्रेम हो जाएगी। इसलिए आप देखना, जिसकी कथा सुनोगे उसको प्रति स्वाभाविक रूप में प्रेम अपने आप हो जाता है। अगर माँ संतों की संग करोगे इसका फल क्या है, बोले अ प वर्ग वर्तमनी। प वर्ग मतलब होता है प फ ब भ म, बोले प मतलब होता है परिश्रम, फ मतलब होता है फेर व ध्यान, बोले ब मतलब व्यर्थता, बोले भ मतलब भय, अरे माँ माँ मतलब होता है मृत्यु। अगर माँ तू सत्संग सुनोगे ना, ये भवसंहार से तुम पार हो जाओ, ठाकुर जी के चरण में पहुंच जाओगे केवल कथा सुनते सुनते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले, बोले माँ बोले कल परीक्षित तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यहाँ बैठो ठाकुर कथा सुनो। कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं हो गया मैं ठाकुर जी के चरण में पहुंच गया, तब तक मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, केवल बैठो केवल भगवान की कथा सुन। और कथा सुनते सुनते ही ठाकुर की प्राप्त हो गई। इसलिए माँ संतों की संग करो। फिर माँ प्रश्न करती हैं, बोले बेटा तू कहते हो तो संतों की संग करो, लेकिन इस संतों का कुछ लक्षण भी तो होनी चाहिए ना, मना बड़े बड़े तिलक और गेरुआ कपड़ा दे करके लाल कपड़ा दे करके संत मान लेगी ना, संतों का कुछ लक्षण भी होता है। बोले हाँ माँ संतों का कुछ लक्षण होता है। बोले बताओ क्या लक्षण है, बोले तिथि सबकारुणिक सुहृद सर्वदेहि नाम अज्ञात शास्त्र साधो साधव साधु भूषण। बोले संतों का पहला लक्षण है सहन करना, ये चीज को गांठ बांध लो। आप लोग ये मत समझो हम घर में ये तो संतों की लक्षण कह रहे, नहीं, भागवत में पढ़ो आपको देखना कितना गृहस्थी की बात है। आप ये मत समझना घर में क्या संत बन सकते हैं, बोले घर में सबसे बड़े संत बन सकते हो ध्रुव प्रहलाद तुलसीदास सब थोड़ी कोई त्यागी संत, सब गृहस्थ रहते सबके सब। भागवत में जितने कथा सुनेंगे सब गृहस्थी का कथा है। इसलिए जो जहाँ पर रहे महाप्रभु कहते हैं गृहवा बनते थाके सदा हरि बोले जाके, घर में रहो नहीं तो वन में रहो कहीं भी रहो भगवान की भजन करो। जो जितने जहाँ पर रह करके भक्ति करता है ना वो उतना बड़ा संत है, उतना बड़ा संत है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर हमको भगवान की भक्ति करना तो क्या करना चाहिए, पहले सहन शक्ति हो, जो सहे सो रहे, और जो ना सहे वो नाश हो जाए। अगर घर में भी बात बात में लड़ाई करना शुरू कर दोगे, बात बात में चिड़चिड़ा पड़े, बात बात में क्रोध करो, घर गृहस्थी चलेगा बताओ, घर गृहस्थी भी नहीं चलेगा, संतों का जीवन भी नहीं चलेगा। इसलिए जिस अवस्था में क्यों नहीं कहीं रहे क्या करो, सहन शक्ति होनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा, कोई तुम लोग बोलते नहीं हो, मैं अकेला बोल रहा हूँ, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमारे एक संत हुए हैं जिसका नाम था तुकाराम जी, ये जो संत है ना इनको कभी भी क्रोध नहीं आता, कभी भी क्रोध नहीं आता है। एक समय कुछ लोगों ने बोले भैया ये संतों को कभी भी क्रोध नहीं आते हैं, आज क्रोध दिला करके छोड़ेंगे, ये रोज गंगा में नहा नहीं जाते थे, बोले जब ये गंगा से नहा करके आएंगे ना इनके सर पर पूरा कचरा डाल देंगे टोकरी से। बाबा जब नहा करके आए तो ये पहले थे कचरे को पूरा पूरा डाल दिया, बाबा कुछ भी नहीं बोले, दो बार गए गंगा में नहा करके आए, फिर उन्होंने फिर जब नहा कर गए फिर कचरा, ऐसे उन्होंने 100 बार कचरा डाले, लेकिन बाबा तभी भी क्रोध नहीं किया। इतने में उनके चरण में गिर पड़े, बोले बाबा
आपको आज हम क्रोध दिलाना चाह रहे थे, लेकिन आपको तो किसी तरह से क्रोध नहीं आया। आज आपके चरण में हमारी अपराध हो गया। देखो संत क्या कहते हैं, बोले तुम्हारी जैसे हमारी उपकार करने वाले दुनिया में कोई नहीं है। बोले कैसे, बोले रोज तो मैं एक बार गंगा में नहाया करता था, आज तुम्हारी वजह से कितना बार नहा लिया। बोले 100 बार हमें गंगा में 100 बार नहा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए संत हर चीज को, कोई एक संत थे उनको पत्नी थी, वो संत कहीं गए हुए, जब गए हुए तो वो संत बड़े उदार थे। कहीं कथा करने के लिए गए, घर में जो उनकी पत्नी थी बोले आज बढ़िया माल लेकर जाएंगे, आज बढ़िया माल लेकर के आएंगे पति। लेकिन वो संत थे, उनको कथा में जो कुछ मिला ना, जो जो कुछ रास्ता में मांगा सबको दे दिया, सबको देते देते जब घर में आए कुछ भी नहीं बचा, केवल गन्ना का एक टुकड़ा बचा हुआ था। अभी जब आए उसको पत्नी ने सोच रहे थे आप कोई माल पानी लेकर के आएंगे, और केवल गन्ने का एक टुकड़ा लेकर के आए। इतने में उसको पत्नी गन्ना उनका हाथ से छीने और उनको पीठ में मारे तो इतने में गन्ना दो टुकड़ा हो गया। देखो संत क्या कहते हैं, बोले आज तो मैं सोच रहा था गन्ना एक टुकड़ा, चूसने वाले दो व्यक्ति पति पत्नी, हम सोच रहे थे इसको बंटवारा कैसे करें, तुमने अच्छा किया दो टुकड़े कर दिए, इसलिए एक टुकड़ा तू ले ले और एक टुकड़ा मैं ले लेता हूँ। बोले जो संत हैं उनका जो पहला लक्षण है ना, सहन शक्ति। मतलब कहीं भी रहो, भक्ति करना चाहते हो तो क्या करो, पहले तुम्हारे हृदय में सहन शक्ति आनी चाहिए। बोले दिखित सब कारण ही। तो दूसरा जो लक्षण है, संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। तीसरा जो लक्षण है, बोले सुरही दशरथ देही नाम, सभी को अपना परिवार मानते हैं। कहते वसुधैव कुटुम्बकम, उनका भावना है हम एक पिता की ही सब संतान हैं। हम तुमेव माता च पिता तुमेव, हम सबके सब ठाकुर की ही संतान हैं। बोले अजात शत्रव, संसार में कोई इसका शत्रु नहीं होती, सब उनकी मित्र होते हैं। साधव साधु भूषणम, ये सब संतों का भूषण है, ये सब संतों का भूषण है। लेकिन भगवान ने कहा देखो माँ, ये जितने लक्षण मैंने बताया, एक साधारण व्यक्ति को अंदर में भी ये लक्षण हो सकती है, लेकिन मेरा जो एकनिष्ठ भक्त, सब ध्यान देकर सुना, इधर उधर मत देखो, भगवान कहते मेरे जो एकनिष्ठ भक्त है वो कैसे है। बोले मई अनन्य भावेना भक्ति कुर्बंती जय दृढ़ा, मेरे जो एकनिष्ठ भक्त हैं वो बहुत देवा देवी को पूजा नहीं करते हैं। आज इसी देवता को पूजा की, काम नहीं बना तो कल दूसरे देवता को पास में चला गया, फिर पता चला अमुक जगह में तो एक बाबा है, फिर वहाँ चला गया। ऐसे करने से भक्ति नहीं होगी। जैसे एक पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी किसको कहते हैं, जिसकी एक पति हो, जो पति की चरण में तन मन सब कुछ दे दे, वही तो पतिव्रता नारी होगी ना। इसलिए जो भक्ति है ये एक पतिव्रता नारी की भक्ति, ये भक्ति है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हाँ ध्यान देकर सुनो, सोमवार होगा हम शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, बम बम बोले बाबा बोल करके, बोले बाबा तन मन धन तेरे चरण। लेकिन जब मंगलवार होगा ना, शंकर जी को तरफ में देखेंगे नहीं, सीधा हनुमान जी को पास में जाएंगे, और जो बात शंकर जी को बोल रहे थे ना वही बात हनुमान जी को बोलेंगे। शंकर जी क्या बेवकूफ है, समझते नहीं, बोलिए तो कल मेरे पास में आकर बोल रहा था तन मन धन तेरे चरण में, आज तक मेरे तरफ में देखा भी नहीं, वो सीधा हनुमान जी के मंदिर में। फिर जब बुधवार आया ना, हनुमान जी के मंदिर में भी गए नहीं, गए नहीं, किसको पास में गए, सीधा गणेश जी के मंदिर में गए। ये क्या बेवकूफ है भैया, इसको भक्ति नहीं कहते हैं, ये एकनिष्ठ भक्ति नहीं है। इसलिए जो एकनिष्ठ भक्ति है वो एकांत के रूप में भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। देखो ध्यान के रूप में, जब हम लोग संसार में थे ना, क्या करते थे, देवी की पूजा 2 घंटा बैठा करते, 1 घंटा कम से कम बैठना, देवी की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना,
हनुमान जी करना, माँ लक्ष्मी को करना और संतोषी मैया को करना, फिर तो गणपति बाबा को करना, फिर शनिदेव को करना। अगर कोई किसी तरह से अगर एक देवा देवता का पूजा नहीं हुआ ना, दिमाग में टेंशन रहता था। आज तक हमने अमुक देवता को पूजा नहीं किया, भैया को जो अनहोनी नहीं होगी। आज तो इसी देवता को हमने पूजा नहीं की, क्या होगा? मैंने में क्या होता, कोई अनहोनी नहीं हो जाए? अगर थोड़ी कुछ हो जाए ना, अरे उसी देवता को पूजा नहीं किया ना, इसलिए आज हमारी ऐसे हो गया। हमारी मन ऐसे बोलता कि नहीं, ऐसे करते कि नहीं, नहीं। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जो कहते हैं, देखो ध्यान देकर सुनो, इतनी सी चीज समझ करके जाओ। परीक्षित महाराज जो कहते, बोले परीक्षित, अगर जिसको धन चाहिए ना, वो माँ लक्ष्मी की पूजा करे। जिसको रिद्धि सिद्धि चाहिए, गणेश जी की पूजा करे। जिसको विद्या चाहिए, वो सरस्वती को पूजा करे। जिसको बल चाहिए, कहते हैं हनुमान जी को पूजा करे। जिसको लक्ष्मी चाहिए, वो माँ लक्ष्मी की पूजा करे। एक एक करके बोल रहे थे। इतने में श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, बोले आप कृपा करके ये बताओ, आप कह रहे हो एक एक चीज को पाने के लिए एक एक देवता को पूजा करने के लिए। बोले हाँ। बोले आपका लिस्ट में क्या ऐसे एक देवता है जिसको पूजा करने से जीवन का सब कुछ मिल जाए? ऐसे कोई देवता का नाम है कि नहीं? अगर किसकी इच्छा भी नहीं हो, अगर किसकी इच्छा हो संसार से मुक्ति पाने के लिए, ऐसे कोई देवता क्या है जिसको एक देवता को पूजा करे सबकी हो जाए? बोले हाँ, ऐसे एक देवता। बोले इतना फिर बात को क्यों घुमा रहे हो? अरे ये बताओ ना, ऐसे कौन सा देवता एक को पूजा करने से सब मिल जाएगा? देखो सुखदेव गोस्वामी कहते, बोले अकाम सर्व काम वा मत्स्य काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगेना जजेता पुरुषम परम। बोले ये भगवान कृष्ण ऐसे एक देवता है, बोले अकाम, अगर किसके अंदर में कोई कामना नहीं, सर्व काम वा सब कुछ चाहिए, स्त्री पुत्र धन दौलत रुपया पैसा सब चाहिए, मोक्ष काम, अगर ये संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, कहते ये बांके बिहारी ऐसे के ठाकुर है जिस देवता को एक देव का पूजा करने पर ये अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की पूजा हो जाएगी। ये श्री बांके बिहारी है। बोले श्री बांके बिहारी की, क्योंकि जगत में तो 33 करोड़ देवता है ना, बताओ एक को पूजा करके दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा, दूसरे के मनाओ तो तीसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण को जो भक्ति करते हैं, उन्होंने विराट रूप दिखाया ना, देखो अर्जुन में कौन हो, ब्रह्मा भी मेरे में, शंकर भी मेरे में, हनुमान भी मेरे में, माता जी भी मेरे में। जब भगवान के अंदर में सब कुछ है, जब हम भगवान की पूजा किया, सबका पूजा हो गया कि नहीं? अरे बोलो हो गया कि नहीं? फिर हमें दर दर भटकने का जरूरत नहीं। इसलिए बोले जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे, बोलो करे, सबको ये चीज को समझ लो। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, बोले माँ मई अनन्न भावेना भक्ति कुर्बंती जय दृढ़, वो मेरे जो एकनिष्ठ भक्त होते हैं, मेरी अनन्य रूप में केवल मेरी ही उपासना करते हैं, मेरी सेवा पूजा मेरी ही करते हैं, ये मेरे भक्तों का लक्षण। बोले माँ भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो जाए, बोले अहो बत सफो च तो गरियान जत जीवाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। हाँ ध्यान देकर सुना, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे नाम जब करते हैं, देखो इसकी कितने महिमा है। बोले माँ अगर किसकी जिह्वा की अग्र में अगर मेरे नाम को कोई जप करता है, अगर वो चंडाल, चंडाल मतलब जो कुत्ते का मांस जो खाने वाले, अगर कुत्ते का मांस खाने वाले क्यों नहीं हो, अगर मेरे नाम को जप करता है, क्या समझो ये पूर्व जन्म में चार ही काम करके आए। बोले क्या किया? बोले पहला काम है जितने सारे तपस्या करके आए, दूसरा काम है पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है सारे तीर्थों को घूम लिया है, तीसरा काम है जितने तरह का तपस्या कर चुके हैं,
चौथा दान है जितने तरह का यज्ञ है, चौथा काम है जितने तरह का यज्ञ है वो सारे यज्ञ पूर्व जन्म में करके आए हैं, तभी इसी जीवन में कोई मेरे नाम को जप कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं ना, समझ जाना पूर्व पूर्व जन्म में आप लोगों ने सारी तपस्या यज्ञ तीर्थाटन ये सब के सब करके आए हो, तभी इसी जीवन में भगवान के नाम को आप ग्रहण कर रहे हो, नहीं तो भगवान के नाम सहज में कोई ले नहीं सकता है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे I'm gonna make you mine.
बच्चे का सर नीचे होता है और पैर ऊंचा होता है और गर्भ में बच्चे रहते हुए माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती है, नमकीन
मसाला मिरी ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। फिर वो बच्चा भगवान हजार जन्म की बाद याद आता है, वो भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु मेरे को ये नरक से निकाल दो। भगवान कहते बताओ अभी तुम क्या करोगे निकाल दोगे तो? बोले प्रभु एक बार अगर निकाल दोगे फिर ये झूठे संसार में मैं फंसूंगा नहीं, फिर उठते बैठते सोते मैं तेरे नाम जप करूँगा। भगवान ने बोले देखो तुम ये कष्ट पा करके कह रहे हो भजन करोगे, जब फिर मैं तुमको निकाल दूंगा ऐसे नहीं, मेरे को तो भूल नहीं जाओगे, बोलोगे तो नहीं भगवान भगवान क्या होता है, भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, भूलोगे तो नहीं। फिर वो बच्चा कहता है बोले प्रभु मैं कभी तेरे को भूलूंगा नहीं। बोले अगर भूल जाओगे ना फिर बीच बीच में मैं वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? सब ध्यान देकर इधर सुना। बोले जब पहले एक बाल पक जाए, कहते ये मेरे फर्स्ट वार्निंग है। बाल पकना मतलब क्या है? ऊपर जाने का समय हो गया तुम्हारी। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर एक बाल पक जाए ना उसको हम उखाड़ देते हैं। बोले इतना जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हो, अभी हमारी कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा बाल पकता है उसको भी उखाड़ देते हैं। फिर जब खिचड़ी बन जाए फिर मेहंदी लगा कर कलर लगा देते हैं, डाई कर देते हैं। बोले थोड़ी हम बूढ़ा बूढ़ी हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान बोले दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले आँखों में कमजोरी हो जाएगी, फिर बढ़िया चश्मा लगा कर घूमते हैं। बोले तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? फिर एक एक करके तुम्हारे दांत तोड़ना शुरू कर दूंगा। जब पूरा दांत टूट जाए ना फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर फिर 32 दांत लगा देते हैं, फिर खिलखिला के रास्ते हुए मेरा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान कहते फिर तुमको ये फोर्थ वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले दो प्यार से तीन प्यार कर दूंगा, फिर डंडा लेकर चलना शुरू करो। ये ऊपर का वार्निंग है भगवान कहते हैं। भगवान कह रहे हैं तो माँ के पेट में वायदा करके आया था हरि नाम करोगे भजन करोगे, लेकिन इधर आ करके पिता माता भाई बंधु को प्यार को पा करके सब तू भूल गया और विषय में तुम रम गए हो। कहते अगर ये वार्निंग अगर तुम मानोगे नहीं ना फिर तुमको ठीक की वार्निंग दूंगा। बोले क्या है? बोले राम नाम सत्य है, फिर तो जीवन खत्म। आप लोग देखे होंगे जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं, ध्यान देकर सुना, चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, ले जाते कि नहीं, क्या बोलते हैं? बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झुटाई सुने कि नहीं, यही बोलते हैं। ये बात किसको सुनाते हैं? और जो ऊपर लेटा हुआ उसको सुनाते हैं। बोले बेटा जीवन में जितने तुमने राम का नाम जितने कृष्ण का नाम लिया है अभी तेरे साथ में वही जा रहे हैं, इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ किए हो केवल तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही है। जिस स्त्री को तुमने सात फेरा लगा करके अग्नि की शादी की वो जाएगी थी रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे तेरे साथ में नहीं जाएगा। जिनको परिवार बनाया वो शमशान तक जाएगी, खोपड़ी में घी भर करके फोड़ करके आ जाएगी, टाटा करके आ जाएगी, फिर उसका आगे किया जाएगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने भगवान का नाम लिया वही जाता है। अब देखे होंगे ना, अब देखना जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसको अर्थी है जाते हैं, हाथ प्यार को रस्सी में बांधते हैं, देखे कि नहीं, हाथ प्यार को रस्सी में बांध देता है, सर को रख देते हैं कि तकिया के ऊपर में, लेकिन सर तो बंधा हुआ नहीं रहता ना, हाथ प्यार बंधा रहता है। उसको बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, इसको सुनाते बेटा जीवन में जितने राम कृष्ण का नाम लिया वही सत्य है। अरे कम से कम अभी तो राम का कृष्ण का नाम ले तू, लेकिन हाथ प्यार तो बंधा हुआ होता वो तो हिलता नहीं, उसका सर हिलता है ऐसे ऐसे लेकिन ऐसे हिलता रहता है। बोले मतलब क्या? बोले अभी तो राम कृष्ण का नाम ले, बोले अभी भी मैं ठाकुर का नाम नहीं लूंगा, इसलिए सर ऐसे हिलाते हैं। बोले अभी भी नाम नहीं लोगे? बोले नहीं। बोले चलो दिखाए। बोले क्या दिखाओगे? फिर अर्थी सजाते हैं। बोले भैया अंतिम समय में तो ले राम का कृष्ण का नाम अभी नहीं लेता। फिर बेटा क्या करता है? मुँह में आग देता है, देखे कि नहीं, मुँह में आग देते हुए देखे हो? आप लोग तो जाते ही नहीं, पुरुष लोग जानते हैं। फिर उसका मुँह में अग्नि देते हैं,
पता है ये मुंह में अग्नि क्यों देते हैं? इसका कारण है भगवान तेरे को जो मुंह दिए थे कृष्ण का नाम लेने के लिए, जिंदगी भर से इधर उधर का चुगली दुनियादारी की तुमने बात की, लेकिन मुंह में भगवान का नाम तुमने नहीं की, इसलिए जिस मुंह में तुमने नाम नहीं दिया ना वो मुंह में आग देते हैं। लेकिन हमारी भक्ति जगत में कोई मुंह में आग नहीं देते हैं, कहाँ पर अग्नि देते हैं? चरण में। बोले चरण में क्यों देते हैं? बोले ये अग्नि नहीं, ये देवता है। बोले जीवन में पा करके जो हरि का नाम लिया है, अग्नि भी जिनके चरण की पूजा करती है, बोले तेरे जीवन धन्य है, ये जीवन पा करके तुमने हरि का नाम लिया, ठीक है ना। इसलिए भगवान कहते माँ जब ये व्यक्ति मर जाता है, आप देखे होंगे कितना दिन बाद में शुद्धि क्रिया होता है, अरे बोलो कितना दिन बाद में शुद्धि होते हैं? 13 दिन तक। देखना 13 दिन तक क्यों होता है, देखना उसी समय गौरव पुराण सुनते हैं, सुने गौरव पुराण सुनते हैं, ये गौरव पुराण में सब कुछ वर्णन आया है। बोले उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, जो नदी टाटी पेशाब खून पी का ये नदी होता है, और उसको कोड़े मार मार करके उसको नदी पार कराना पड़ता है, हैं? वो पार होने के लिए उसको 13 दिन लग जाती हैं। कितना दिन लग जाती हैं? जोर से बोलो। आप बताओ किसको ऊपर में कोड़े में पड़ता है, किसको ये टाटी पेशाब की नदी पार करना पड़ता है? भगवान ये जम कहते हैं, बोले जिनकी गले में तुलस की कंठी नहीं है, जो ललाट में तिलक नहीं लगाया, ये जीवन पा करके जो हरि का नाम नहीं लिया ना, उनको ही ये नदी पार करना पड़ता है। आप लोग सुने होंगे अगर बहुत ज़्यादा कोई पाप किया होगा तो बोलते हैं ना उसका नाम पर गोदान दे दो। बोले गोदान क्यों दे दे? बोले ये गैया की पूछ को पकड़ करके जल्दी जल्दी ये बेहतर नदी ये पार हो जाए, इसलिए उसका नाम पर गोदान करते हैं। ये सब गरुड़ पुराण में सब वर्णना आती है, हैं? इसलिए यहाँ पर भगवान कहते बोले माँ ये जीवन पा करके हरि की भजन करो, हरि का नाम कर लो, संसार से पार हो जाओ, नहीं तो बड़ी दुर्गति है। फिर उसको बाद में क्या होता है? फिर उसको 84 नरक में भोगना पड़ता है। कितना नरक में? बात मत करो, बीच में मैं सामने बैठा हूँ, देख रहा हूँ। इसलिए उसको 84 नरक में भोगना पड़ता है। जब 84 नरक भोग हो जाता है, फिर जीव को ये चंद्र लोक में भेज देते हैं। फिर ये जीवात्मा भगवान सारे बात माँ को एकदम पुंखानुपुंख वर्णना करते हैं, ये जीव को चंद्रलोक में भेज देते हैं। चंद्रलोक में जा करके फिर वो जीव ये चंद्रमा का किरणा को देकर किसी फल को आश्रय करता है। इसलिए कहते हैं ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, जिसकी भाग्य में जो फल होगा ना वही फल खाएगा, नहीं तो फल खा ही नहीं सकता है। देखो एक समय एक नास्तिक और एक आस्तिक में झगड़ा हो गया। एक जो आस्तिक समझते हो जो भगवान को मानता है, नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। जो भगवान को मानता था आस्तिक, वो नास्तिक को बोला देखे दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, जिसके भाग्य में जो फल होता है ना भाग्य में वही वही फल खाएगा। जो नास्तिक था बोले मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे मुंह में कोई ठोस ठोस को थोड़ी खिला देगा। बोले देख अगर तुम्हारी भाग्य में होगा ना कहीं नहीं जाएगा, उसको तुमको खाना पड़ेगा। बोले खाना पड़ेगा? बोले हाँ। उन्होंने लड़ाई कर ली। बोले ठीक है मैं देखता हूँ, अगर मैं भोजन नहीं करूँगा तो मेरे को कौन खिलाता है। उसने लड़ाई करके कि जंगल में गया, घनाघोर जंगल में एक नदी का किनारे में एक पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर बैठ गया। बोले देखता हूँ मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे कौन खिलाएगा। इतने में क्या हुआ, कुछ जंगल में कुछ लोग भ्रमण करते करते आए उसी पेड़ को नीचे, और वहीं पर बड़े सुंदर सुंदर पूरी और आलू गोभी की सब्जी और प्योर घी में हलवा बना रहे हैं। वो ऊपर बैठकर देख रहे हैं सारी चीज को। बोले ये क्या है, पता नहीं ये कहाँ से थे, यहीं पर आकर क्यों बनाना शुरू कर दिया, और वहीं पर बना रहे थे। इतने में कुछ डाकू लोगों ने आक्रमण किया, लोग बोले भैया भागो यहाँ से भागो, सबके सब भागे, ये लोग भी भागे। जब भाग गए वो डाकू ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंचे,
जब वहीं पर पहुंचे देखा एकदम प्योर घी के हलवा की खुशबू आ रहा है और आलू गोभी की सब्जी प्योर घी में बना हुआ, बड़े सुंदर सुंदर पूरी, बड़ी सुंदर खुशबू आ रहा है। डाकू ने बोले भैया देखो कितने सुंदर सामने भोजन है, चलो भोजन करते हैं। एक ने कहा सावधान, यहाँ पर थोड़ी कोई सेठ साहूकार है, तुम्हारा लिए यहाँ पर इतना सुंदर भोजन बनाएगा, लगता है किसने हमें मारने के लिए, वो डाकू थे ना, लगता है हमें किसने मारने के लिए उसमें जहर मिला करके यहाँ छोड़ कर गया। बोले बात सही बता रहे हो, यहाँ पर कौन बनाएगा? बोले जरूर देखो आसपास में कोई जरूर होगा। सचमुच से इधर उधर देखते देखते ना देखा ऊपर ऊपर आदमी बैठा हुआ। बोले देख लिया, मैं सही बता रहा था ना, इसने इसमें जहर मिला करके हम खिलाने के लिए चुपचाप बैठा हुआ, समझ गए? बोले हाँ समझ गए। बोले नीचे उतर, हमें तो मारोगे हैं, अभी तेरे को मारते ही। जोर जबरदस्ती पेड़ से उतारे और दो तीन व्यक्ति का भोजन था। बोले खा, हमें मरवाओगे? खा नहीं रहा था, मारे थप्पड़ उसको, थप्पड़ मार मार करके ना दो व्यक्ति तीन व्यक्ति का खाने को एक व्यक्ति को ठोस ठोस कर खिलाए, ठोस ठोस खिला कर बोले तू मार, हमें मरवाना चाह रहा था, तू ही पर मर। जब चले गए ना, उसको पूर्ण विश्वास हो गया, भैया दाने दाने में खाने वाला का नाम लिखा हुआ, मैंने कहाँ लड़ाई झगड़ा करके, कहाँ घनाघोर जंगल में आकर के एकांत में पेड़ में बैठा हुआ था और मेरे को जोर जबरदस्ती उतारे, दो तीन व्यक्ति का खाना मेरे को मार मार करके खिलाए, उसको पूरा विश्वास हो गया। फिर उसी दिन से वो व्यक्ति इतने बड़े संत बन गए तो सोच नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक दोहा लिखे हैं, बोले अजगर ना करे चाकरी बंकी करे ना काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। तब ये दोहा ने ये चीज को लिखे, बोले अजगर ना करे चाकरी, अब देखना अजगर सामने लेटा हुआ कहीं नहीं जाता है, उसको मुंह को सामने जो आ गया वही खाएगा। पंखी करे ना काम, कोई चिड़िया कोई काम नहीं ना करता है, ढूंढता है इधर उधर खा लेता है, इसलिए बोले भैया सबके दाता राम है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ। फिर वो फल को आश्रय करते हुए जी आएगा और जिसको भाग्य में वो फल लिखा होगा वो वही फल को वही खाएगा और खाने पर क्या होगा, अंदर में वो खून बनेगा, खून बन करके फिर वीर्य बनता है, फिर पति पत्नी का मिलन से फिर बच्चे गर्भ में बच्चा जन्म लेता है। इसलिए भगवान ने माँ को इतने सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताए। बोले माँ जीवन का सार है भगवान की भजन, अगर जीवन पा करके माँ भजन कर लिया तो भैया समझो ये जीवन तुम्हारी धन्य हो गया। इसलिए मैया ये जीवन पा करके ठाकुर का भजन करो। माँ को बड़े सुंदर उपदेश दिए और चले गए कहाँ पर, गंगा सागर में। गंगा सागर गए हो? कौन कौन गंगा सागर गए? एक दो तीन चार, कौन गंगा सागर जाना चाहते हो हाथ में? इतना सारे तीर्थ बारंबार एक गंगा सागर, गंगा सागर एक बार। बोले क्यों? बोले गंगा सागर में जो एक बार नहा लेता है ना, सागर महाराज के 7000 संतान वहीं पर ही कितने हजार सालों में वो वहीं पर जल करके राख बन गए थे, लेकिन गंगा की इतने पवित्रता, गंगा एक बार उसको ऊपर चली गई तो उनको मुक्ति मिली, इतने महिमा गंगा सागर की। इस बार जाओगे आप सबके लिए चलेंगे। अब बताओ इस बार कौन जाना चाहते हैं गंगा सागर? हाँ हमारी जो विशाखा दीदी है ना, है विशाखा दीदी, ये आपको ले जाएगी नवद्वीप महाप्रभु का धाम में। नवद्वीप धाम में परिक्रमा होती है, वो जो नवद्वीप जो जाते हैं वो बंगाल को पास में है, गंगा सागर पास में है। हाँ वहीं पर ठाकुर जी साल में, ठाकुर जी का एक बार साल में दर्शन होता है। बस श्री भगवान कपिल देव की, जोर से बोलो बस श्री कपिल भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ मेरे पीछे पीछे बोलो,
बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय कर्म करता है वो कर्म अनुरूप ठाकुर ऐसे ही उसको दंड देते हैं। जब उन्होंने 84 नरक की वर्णना की, बोले जो व्यक्ति शराब पीते हैं मरने का बाद लोहे गला करके उसको मुंह में डालते हैं, जो व्यक्ति इन्हीं आंखों में गंदी गंदी चीज देखते हैं तो उसको आंखों को निकाल लिया जाते हैं, जो जानवर को काट करके खाते हैं मरने का बाद में उसका कर्तन उसको काटते हैं, जो व्यक्ति मांस को पका करके खाते हैं मरने का बाद एकदम उबलते हुए तेल में जैसे पकौड़े बनाते हैं उसको ऐसे बना देते हैं। जब उन्होंने ये नरक की वर्णना की परीक्षित महाराज तो डर गए, बोले जीव को इतना कष्ट उठाना पड़ता, बोले हाँ
जीव जैसे करनी वैसे भरनी। बोले इससे जीव को मुक्ति मिल सकती कि नहीं? बोले हाँ, शास्त्र में विधि बताए, अगर ऐसे कर्म करो, इसके लिए ऐसे प्रायश्चित करो, इससे नष्ट हो जाएगा। जब उन्होंने प्रायश्चित की बात बताई, बोले ये बात मेरे को जचाए नहीं ठीक से। अब देखना, जैसे कुछ कुछ व्यक्ति तीर्थ जाएंगे हमारे उधर उड़ीसा बंगाल में, एक महीना तो तीर्थ घूम करके आएंगे, मांस मछली खाएंगे नहीं, लेकिन जब घर में आएंगे ना, बोले इतना दिन तक साग सब्जी खाते का तो मुंह खराब हो गया, आज बढ़िया मांस लाओ मछली लाओ बढ़िया करके खाएंगे। गया कि नहीं? सब कुछ खत्म हो गया, इतना जो तीर्थ वीर्थ करके आए, गया समझे सब। उदाहरण दिया, ये जो प्रायश्चित है, जैसे एक हाथी को अच्छे तरह से स्नान कराओ। हाथी का एक स्वभाव है, वो ऊपर उठते ही ना सबसे पहले धूल ढूंढेगा, अगर धूल नहीं मिलेगा तो पैर में रोंद करके धूल बनाएगा, फिर सूंड में लेकर फर्रे करके उड़ाएगा, उसको बाद में हो जाएगा। बल्कि जो प्रायश्चित है, जैसे लोग पाप कर्म कर दिया, घी में डालडा मिला दिया, तेल मिला दिया, नहीं तो कंकड़ मिला दिया, चावल में भेज दिया, लेकिन दूसरे दिन जाकर कुछ कबूतरों को खिला दी, नहीं तो दुखी दरिद्र की सेवा कर दी, फिर दूसरे दिन फिर वही काम करे। बोले तो ये प्रायश्चित बेकार है। बोले ऐसे कोई क्या उपाय है, जो काम करने से हृदय में पाप की भाव भासना ही खत्म हो जाए, पाप करने की इच्छा नहीं रह जाए, ऐसे कोई उपाय क्या है? बोले ऐसे उपाय भी है। बोले बताओ ना वो क्या है। बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अग्नौ धुन्नति कार्ष्णेना निहार इव भास्कर। बोले भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो नाम ऐसे कहे, जैसे सूरज उदय होने पर जैसे अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, अंधकार को दूर करने का जरूरत नहीं, सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाते हैं। कहते जो भगवान की भक्ति और भगवान का जो नाम है ना, ऐसे है, अगर कोई भगवान के नाम भक्ति करे और हृदय से पाप करने की वासना ही खत्म हो जाएगी। बोले तेरे को मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी को तुम सुना। तो उन्होंने बोले, बोले कान्य कुब्जात कुति कोची दासी पुत्र अजामिल। कहते एक समय कान्य कुब्ज देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजामिल। बेचारा ये ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, पत्नी बड़ी सुशीला, कम उम्र की, देखने में बड़ी सुंदरी है स्त्री, और सारे सद्गुण से ये परिपूर्ण था। सवेरे उठाई पिता माता की चरण छूता था, गुरुजन की सेवा आदेश, सारे सद्गुण इसको अंदर में था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसने वो जंगल में यज्ञ के लिए लकड़ी और कुछ फल फूल संग्रह करने के लिए गए। उसने देखा एक शूद्र एक शूद्राणी ये शराब पी रखे और विवस्त्र होकर के दोनों आपस में मिल रहे। उसने तो देखने लग गया और देखते देखते उसका हृदय में जैसे ये फटो खिंच गई। लेकिन जब ये घर में आए, आप पत्नी बड़ी सुंदरी अल्पोमर की, लेकिन अपना पत्नी धर्म पत्नी को उसने त्याग दे दिया। वो जो शूद्राणी थी वो शूद्राणी को साथ में रहने लग गया और घर का जितने संपत्ति धीरे 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 ले ले करके शूद्राणी को देना शुरू कर दिया। और अपना घर में जब सारे खत्म हो गई, वो शूद्राणी को साथ में रहना शुरू कर दिया। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, भैया कि जो आँख है ना, जितने इंद्रियों में सबसे खतरनाक ये आँख है, क्योंकि ये आँखों में जो चीज देखते हैं ना, वही फटो रूप में खींचता है। अब भजन करने के लिए बैठो, इन्हीं आँखों में जो जो चीज़ देखे होंगे ना, वही याद आएगा, भगवान याद नहीं आएगा, सारा दुनिया याद आएगा। और ये जो गंदी चीज को उदाहरण दी, ये गंदी चीज अजामिल जैसे व्यक्ति, इतने सद्गुण संपन्न व्यक्ति, अगर उसका चित्त परिवर्तन हो सकता है, बताओ हम कौन सा खेती के मूल्य हमें। इसलिए पहले जितने सिनेमा आती थी ना, अब देखना रामायण महाभारत सब अच्छी अच्छी चीजें आती थी, अभी जितना गंदी होगा वही सिनेमा चलेगा। इसलिए अभी इतने डाइवोर्स और इतने भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्योंकि सारी गंदी गंदी थैली में आई है और ये सब चीज को देख करके
सब बच्चे सब दुराचार बनते जा रहे हैं, सब कुमार्गों में जा रहे हैं बच्चे लोग। इसलिए शिक्षा देते हैं, भैया इन्हीं आंखों से गंदी चीज को मत दिखा करो, अजाम मिले अगर बिगड़ सकता है हम, फिर हम कौन सकती है। इसलिए गंदी चीज को मत दिखा करो, फिर यही सीधा हमें नरक का रास्ता यही बना देना, हमें सावधान यहाँ पर करते हैं। उसने अभी वो बेस्या को साथ में रहने लग गए और उससे 10 संतान हुए, लेकिन था तो हिंदू। सबसे छोटा बेटा का नाम उसने नारायण रख लिया। अब सबसे छोटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अभी हर बात बात में बोले बेटा नारायण तुम कहाँ हो, नारायण मेरे लिए पानी ले आ बेटा, नारायण मेरे लिए भोजन ले आ, दूर में अगर खेले बोले बेटा नारायण इधर आ बेटा मेरे पास में आ। अभी हर बात बात पर नारायण नारायण बोलता है। अंतिम समय इसको मृत्यु आई। हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य, ये तीनों में ये कर्म करते हैं। इसलिए हम मरते समय 3 जमदूत उसको लेने के लिए आए, गले में काल फांस को बांध करके जब ले जा रहे थे उसने तो डर गया और वो अपना बेटे को दूर में देख करके ही बड़े जोर से चित्कार किया, बोले बेटा नारायण नारायण। ये 4 ही थे, एक तरह से 3 जमदूत, दूसरे तरफ में 4 विष्णु, दोनों इकट्ठे हो गए। बोले माँ भयो डरने का कोई बात नहीं, हम तुमको रक्षा करेंगे। इतने में देखा जमदूत को गले में फांस लगा कर ले जा रहे हैं। तब विष्णु दूत ने पूछा भैया तुम लोग को है कौन, बोले हम धर्म राजा के दूत हैं। बोले धर्म का नाम पर अधर्म कर रहे हो कैसे, ये अजामिल वैष्णव है भक्त हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ तुम अजामिल को लेने के लिए आए हो, लगता है तुम जमदूत नहीं, लगता है तुम लोग कोई भूत पिशाच है, अभी हमारे हाथों में आ गए, अभी हम तुमको छोड़ने वाले नहीं। बोले नहीं हम तो धर्म राजा का दूत। बोले धर्म राजा का दूत धर्म का डेफिनेशन होता है, धर्म कहते हैं किसको। तो उन्होंने बोले वेद प्रणीत धर्म अधर्म तद विपर्यय, कहते वेद ने जो बताया वही धर्म है और उसका विपर्यय सबके सब अधर्म है। हैं हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, कोई कोई कहता है ना तुम थोड़ी पूर्व जन्म को देखे हो, हम जो चीज नहीं देखा माने कैसे। देखो यार धर्मराज जमदूत कह रहे हैं, ध्यान देकर सुनो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। बोले एक व्यक्ति 3 जन्म की बात को समझ सकता है, कितने जन्म 3 जन्म को आप समझ सकते हो एक जीवन। बोले कैसे, अभी जो जीवन बीत रहा है उसको तो हम समझ रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में हमने जैसे जैसे कर्म किया है ठीक उसी अनुरूप हमें घर मिलता है, ऐसे ही पति हमें मिला है, ऐसे ही पत्नी हमें मिली है, ऐसे घर ही मिला है, ऐसे बच्चा मिला है। अब कभी कभी देखना कोई कोई बोलते हैं ना अगर बेटा ज्यादा ही उत्पाती हो, कोई कहता है लगता है ये पूर्व जन्म का शत्रु मेरा बेटा बन के जा रहा, बोलते हैं ना ये पूर्व जन्म का शत्रु मेरा बेटा, बात सही है बात गलत बात नहीं है। एक व्यक्ति केवल अंबानी नहीं तो टाटा बिरला घर में जन्म होते ही बन जाए पति को, देखो जो रोड में भीख मांग रहे हैं जिसको भोजन नहीं मिले उस घर में क्यों जन्म हुआ, 1 करोड़पति घर में क्यों जन्म हो गया। देखना किसकी पत्नी बड़ी अच्छी, पति बड़े अच्छे, लेकिन किसकी पत्नी बड़े ऐसे ही, पति भी ऐसे, बेटे भी ऐसे, कारण क्या है। कहते हमने जैसे जैसे कर्म की, अगर नीम की बीज बोएंगे तो बताओ वहां पर कौन सा वृक्ष आएगा, अगर चीकू का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा, अरे आम का गुठली बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा। हाँ ये जमदूत कह रहे हैं। बोले एक व्यक्ति जीव जन्म को समझ सकते हैं, पहले जैसे कर्म किया वैसे घर में जन्म हुआ, अभी जो कर रहे हैं ये चीज हम ही देख रहे हैं, और इसी जीवन में जो करेंगे अगले जीवन में वैसे ही परिवार घर हमें प्राप्त होगा। 3 जन्मों को एक व्यक्ति समझ सकता है, हैं? इतने में जमदूत कहते हैं विष्णु दूतों को तुमको पता है ये व्यक्ति कौन है, ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, पत्नी बड़ी अच्छी थी, लेकिन अपना पत्नी को त्याग देकर वेश्या को साथ में उसने रहा। 10 बच्चे हुए, उनको लालन पालन करने के लिए चोरी गुंडा गिरती डाकू सारे पाप कर्म किया, इसलिए ये व्यक्ति सीधा नरक जाएगा।
इतने में विष्णु दूत कहते हैं, भैया उसने पुण्य भी तो कुछ किया है। बोले पुण्य क्या किया? बोले अभी जो उनने नाम लिया ठाकुर जी को, नारायण नाम बोला। बोले वाह, सारा जीवन पाप करो, अब मरने से पहले एक बार राम का नाम लिया, हो गया क्या? हो गया। देखो विष्णु तो क्या कहते हैं, बोले मूर्खों तुम्हें क्या पता ठाकुरों का नाम में कितने शक्ति, तुम्हें क्या पता है। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। आनंद में निकला यह परिणाम, आनंद में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। आज से सागर को लंग सकेना, विनय कुलु तेरा, सागर को लंग सकेना, विनय कुलु तेरा, बढ़ करके भगवान राम को लंका जाने के लिए फूल की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, एक बार जय श्री राम बोल करके उन्होंने समुद्र को पार हो गया। द्रौपदी की जब वस्त्र हरण हो रही थी उसको पांच पांच पति थे, लेकिन कोई काम में आए? अब बता पांच पांच पति कोई काम में आए? अब बता उसको काम में आए तो कौन काम में आए? इसकी ठाकुर जी काम में आए। इसलिए कहते भगवान के नाम में इतने शक्ति है। उदाहरण देकर समझाए, जैसे कोई एक रुई का ढेर हो, नहीं तो भूस का एक ढेर हो, उसमें आग की एक चिंकार लग जाए इतना जला करके वो राग बना देता है। और भगवान के नाम में इतने शक्ति, तो भगवान का नाम कम है? इतने में फिर जमदूत फिर आर्गूमेंट देते हैं, बोले आप कह रहे हो उसने भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम कम लिया, वो तो अपना बेटे को बुलाया था। नारायण किसको बुलाया था? भगवान का ना बेटे को बुलाया था, किसको बुलाया था? बेटे को बुलाया था नारायण। इतने में विष्णु दूत कहते हैं, देखो भगवान के नाम अगर किसी तरह से उच्चारण करो तो कितना लाभ है। कहते भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे? बोले सांकेत्यम परिहासम वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। पहला उदाहरण दिया सांकेत्य। सांकेत्य मतलब क्या है? जैसे किसी बच्चे का नाम रख दिया कृष्णा, गोविंदा, राम रख दिया, नहीं तो किसी लड़की का नाम सीता रख दिया, नहीं तो राधा नाम रख दिया। जैसे बारंबार उसको बुलाते हैं, बेटी राधा आ जा, बेटा कन्हैया आ जा, बेटा राम आ जा, इसको संकेत कहते हैं। अगर इसी रूप में भी अगर कोई भगवान का नाम खुले उसका भी कल्याण होता है। इसलिए आप पहले पहले देखो, जितने बड़े बूढ़ों को देखो, पहले पहले सब बच्चों का नाम किसका नाम पर है? सब कृष्णा, गोविंदा, दामोदर, सब ठाकुर का नाम पर रखे हुए होंगे।
पहले सब ठाकुर का नाम पर सब लड़कियों का नाम गीता सीता ऐसे नाम रखते थे ना पहले, लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो कैसे, टिंकी टुल्लू भोलू, ये विदेश में ना सब कुत्तों का नाम है। बोले आर सो पुराना नाम था, मैंने कहीं गया था, बोले बाबा बेटा का नाम कोई रख दो, मैं भगवान का नाम रख दिया। बोले सब पुराना नाम है, अभी का कोई नया नाम रखा ना, ये सब पुराना युग चला गया, अभी नया युग आया है। लेकिन आप वृंदावन गए हो, वहाँ पर इस्कॉन मंदिर में जाना, देखना बच्चों को जो अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मनी से आए, देखना वहाँ गुरुकुल, देखना छोटे छोटे अंग्रेजी बच्चे चोटी रख करके तिलक लगा कर गले में कंठी धारण किए हुए, हम तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते, बोले नहीं वो राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हैं। वो बच्चों का नाम पूछ लाना, कृष्ण गोविंद दामोदर ठाकुर जी के नाम पर बच्चों का नाम देते हैं। अंग्रेजी लोग भी अपना सभ्यता को छोड़ करके अभी हमारी संस्कृति को ग्रहण करते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसा पुराना संस्कृति था, बच्चों का नाम अटल नाम रखेंगे, हैं टुल्लू बुल्लू कुत्तों का नाम धरवाएंगे, भगवान का नाम कैसे लें, कल्याण नहीं हो जाएगा हमारे से। इसलिए बच्चों को जितना बार हम नाम लो, घर में ठाकुर का नाम गूंजेगा, जीवा से जितना बार निकले जीवा का भी कल्याण है, जिसकी कान में ठाकुर जी का नाम जाएगी उसका भी कल्याण है। कहते ना मंगल भवन, बोलो जोर से मंगल भवन, हाँ भगवान का नाम कहीं भी ठाकुर जी का नाम उच्चारण हो, शास्त्र कहता है बोले सर्व व्याधि विनाशनम सर्व उपद्रव समनम शांतिदम शांतिरिष्टम हरे नामानुकीर्तनम, बोले हरि का नाम कहीं हो क्या होता है, बोले सर्व रोग विनाशनम सर्व उपद्रव समनम, घर में जितनी उपद्रव होगा सारे उपद्रव खत्म हो जाएगी, सारे रोग नष्ट हो जाएगी, जीवन में शांति मिलेगी। इसलिए बच्चों का नाम किसका नाम पर रखो, सब ठाकुर जी का नाम पर रखा करो, भगवान के नाम पर रखा करो। बोले देखो उसने भगवान के नाम को संकेत करके उपहास करते हुए किसी तरह से अगर ठाकुर का नाम लो तो जीव का कल्याण हो जाता है, हैं जीव का कल्याण हो जाता है। उन लोगों ने इतने सुंदर सुंदर बात बताए, और जितने सबके सब जमदूत थे ना, जो विष्णु दूत थे मार मार करके उनको भगा दिया वहां से, और अजामिल को रक्षा किया, और गए कहां पर, जम महाराज को पास में गए, जितने अस्त्र शस्त्र इनको पास में था सारे अस्त्र शस्त्र को उन्होंने जम महाराज के चरण में फेंक दिया, कल आज से आपकी नौकरी हम नहीं करेंगे। बोले भैया क्या बात है, हो गया क्या, बोले क्या, हम तो सोच रहे थे जगत का मालिक आप हो, जगत में आपको पूछने वाले दुनिया में कोई नहीं। बोले भैया बात तो क्या बताओ क्या हो गया, बोले एक अजामिली नाम के बहुत बड़ा पापी था, और उसने उसको हम लेने के लिए गए, पता नहीं कहां से चार ही हाथों वाले आए, क्या देखने में सुंदर थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी कान में कुंडल पीतल अस्त्र पहने हुए थे, चमचमात हुए, पता नहीं कहां से आए, इतने अपमान हमें की, मार मार कर भगा दिए, जब तक उनको पकड़ करके हमारे सामने नहीं ले आते हैं तब तक आपका नौकरी फोकरी हम नहीं करेंगे। इतने में जमदूत ने पूछे, जब महाराज पूछे ये बताओ वो मरने से पहले कुछ उसने बोला था क्या, बोला हाँ उन्होंने तो एक बार क्या नारायण नाम लिया था, एक बार नारायण नाम सुनते ही जब महाराज को वहीं पर बेहोश हो गए, वहीं पर बेहोश हो गए जब महाराज। बोले बड़े दिनों में भगवान का नाम हमें सुनने को मिला है, बोले भगवान का नाम, हम तो सोच रहे थे जगत का हर्ता करता भी था आप ही हो, आप गए तो भगवान और कोई भगवान है क्या, बोले मूर्खो तुमको क्या पता है जगत का जो मालिक है वो भगवान नारायण है, हमें उन्होंने कृपा करके ही ये पोस्ट में हमें नियुक्त किया है, हम तो नौकरी कर रहे हैं, त्रिभुवन का मालिक ये भगवान नारायण है। बोले देखो जो भगवान की भजन करते हैं उनको हमारे पास में मत लाया करो। तब जमदूत कहते हैं हमें एक पर्चा बना दो, कम से कम पता चले कौन भक्ति करता कौन भक्ति नहीं करता है। तो उन्होंने एक पर्चा बना दिए, बोले जीवा न भक्ति भगवत गुण धाम धेयम
कश्चन स्मरति जत चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति जत शिर एकदापि तान आनयभ्रम असत अक्रीत विष्णु कृत्या। ये चार्ट में बताए बोले जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम दे, जो ये मानव शरीर पा करके ये जीवा से भगवान का नाम नहीं लेते। बोले चेतश्च स्मरति जत चरणारविन्दम्, अपना हृदय में जो भगवान के चरण को जो स्मरण नहीं करते हैं। बोले कृष्णाय नो नमति, जो एक बार प्रभु कृष्ण के चरण में अपना सर को नहीं नमाया, कहते ऐसे व्यक्तियों को पकड़ करके मेरे पास में ऐसे व्यक्तियों को पकड़ करके ले आओ। और उन्होंने और एक शब्द बोले अकृत विष्णु कृत्या, मतलब है जिन्होंने कृष्ण मंत्र में जो लोग दीक्षा ग्रहण नहीं किया है उनको पकड़ करके ले आओ। इसलिए नियम है शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती बोले कृष्ण दीक्षा भी न जे, बोले अगर कोई कृष्ण दीक्षा में मंत्र नहीं लेते हैं बोले पशु जो नीम आप हम आप, उसको अगली जीवन में पशु जन्म में जाना पड़ता है अगर कोई कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लेता है। देखो ये पद्म पुराण की कथा सुनाता है, आप लोगों भी ध्यान देकर सुना। बोले एक समय एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी रहते थे, जो ब्राह्मणी बड़ी सदाचार संपन्न पतिव्रता नारी थी, पति की एकांत सेवा करती थी ये बड़ी पतिव्रता नारी। एक दिन क्या हुआ, उनकी पति कहीं बाहर गए हुए थे, इतने में वहाँ पर घर में श्री नारद मुनि आए। नारद जी को देखते ही उन्होंने उनके चरण धोए और नारद जी को घर में बैठा करके उनने नारद जी को भगवान का प्रसाद खिलाया। जब प्रसाद खिलाया इतने में नारद जी ने देखा उसकी गले में तुलसी की कंठी नहीं है, और जो तिलक लगाते हैं ना उसकी ललाट में तिलक नहीं है और गले में तुलसी की कंठी नहीं है। इतने में नारद जी ने देखा जो कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लिया, गले में कंठी तिलक नहीं, उसकी हाथ के हमने भोजन कर लिया, मेरा धर्म कर्म सब खत्म हो गया। नारद जी उसको सामने उल्टी कर दिया, जो कुछ भोजन किया था ना सबके सब उन्होंने उल्टी कर दिया। इतने में वो तो बड़ी दुखी हुई, बोले आपने भोजन को उल्टी क्यों कर दिए, बोले तुम अभी तक कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं ली, गले में कंठी नहीं, तुम्हारी ये तिलक नहीं है। बोले गुरु जी फिर बताओ क्या करनी चाहिए, बोले जब तक तुम कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लेती हो हम उसकी हाथ की भोजन नहीं करते, क्यों हम सबके सब वैष्णव विष्णु मंत्र में दीक्षा लिए हैं। बोले गुरु जी कृपा करके हमें दीक्षा मंत्र दो। तब नारद जी उनको दीक्षा मंत्र दिए, गले में तुलसी की कंठी पहनाए, ये जो तिलक लगाते हैं ना तो उनको तिलक उन्होंने दिया, फिर दो बार उसने रसोई बनाई और उन्होंने भोजन किया। जब भोजन की इतने में बोले गुरु जी कुछ उपदेश है मेरे प्रति, बोले देख बेटी ये उपदेश है, जिसका हाथ में जो दीक्षा मंत्र नहीं ग्रहण किए ना उनसे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि हम लोग भक्ति जगत में जिस वैष्णव जगत में आए हैं गले में कंठी तिलक लगाते हैं, अधिक से तो व्यक्ति से दूर रहना। अभी उसकी पति बाहर गए हुए थे, लेकिन पति जब घर में आए इतने में उसका जो पत्नी थी ना वो पत्नी जैसे पहले तैयार होती थी उनकी चरणामृत लेती थी, अभी वो क्या कर रही हैं पति को दूर से पानी फेंक करके दे रही हैं, और एकदम पास में नहीं जा करके हर चीज को दूर से फेंक फेंक करके दे रही हैं। उसका पति तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई, बोले मेरी पत्नी तो बड़ी पतिव्रता नारी थी, इतने सेवा करती थी, अभी हर चीज मेरे को दूर दूर से फेंक कर क्यों दे रही है। तो उन्होंने पूछा बेटी ये क्या है, बोले देखो आज हमारे घर में श्री नारद जी आए थे और मैं नारद जी से मैंने दीक्षा मंत्र ग्रहण की, तिलक में कंठी धारण किया है, गुरु जी बोले जो दीक्षा मंत्र नहीं लिए हैं उनसे थोड़ी सी दूर रहा करो, इसलिए मैं आपसे दूर रहता हूँ, आपको अभी ये घर में नहीं, आप जो वहाँ पर जो घर है आप अभी वहाँ पर रहा करो, अभी मैं यहाँ पर रहूँ। इतने में इसको सुन करके पति तो बड़े आश्चर्य में पड़े गए, बोले तुम्हारी गुरु जी कौन है, बोले नारद जी है, बोले नारद जी को बुला सकते हो, गुरु जी ने बता करे गए थे बेटी जब जब जरूरत हो ना
मेरे को याद करोगे तो मैं आ जाऊंगा। इतने में उसने गुरु जी को स्मरण किया, बोले गुरु जी आप कृपा करके पधारो। जब स्मरण किया ना, नारद जी झट वहां पर पड़ गए। उसका पति देख कर तो अक्के बक्के चक्के हो गए, बोले कैसे गुरु जी, गुरु जी का स्मरण करते गुरु जी आ गए। उसके मन में विश्वास हो गया, नहीं सचमुच से ये कोई साधारण संत नहीं, स्मरण करते कैसे प्रकट हो गए। इतने में बोले गुरु जी आप कृपा करके मेरे को दीक्षा मंत्र दो, क्योंकि मेरी पत्नी गले में कंठी तुलसी माला धारण की है, इसलिए पत्नी मेरे को दूर दूर से पानी फेंक करके देती है, कहते दूसरे घर में रहो मेरे को भी कृष्ण मंत्र की दीक्षा दो। बोले दीक्षा मंत्र लोगे, बोले हाँ जा, बोले गंगा में नहा करके आओ। जब गंगा में नहाने के लिए गए, लेकिन उसी समय में था पितृपक्ष, पितृपक्ष चल रहा था। जो उनकी जो यार दोस्त थे, बोले अरे तू तो कुछ समय पहले ही नहा कर गया था, ये दो बार भरे नहाने के लिए क्यों आए। बोले हमारे गुरुजी नारद जी आए मेरे को दीक्षा मंत्र देंगे, इसलिए बोले गंगा में नहा कर क्या। देखना जगत में कुछ ऐसे लोग हैं, देखना खुद तो भजन करते नहीं और दूसरे व्यक्ति भजन करे ना वहाँ मेरे टांग लगाते। बोले कंठी माला पहन कर किया होगा, तिलक लगा कर किया होगा, भजन करके किया होगा, ये मांस मांस मदिरा छोड़ने से किया होता है। आप देखना जैसे एक बिल्डिंग की मदावना बड़े कठिनी से बनता है, लेकिन ये तोड़ना चाहो तो एक दिन में आप उसको तोड़ सकते हो। बड़े प्रपंच लोग भी होते हैं ना, ये लोग तो तरह तरह से उसको उल्टा पुल्टा बोलने लग गए। बोले अरे ये पितृपक्ष चल रहा है, अभी दीक्षा मंत्र क्यों लोगे, कुछ दिन तू रुक जा, अभी जरूरत नहीं दीक्षा मंत्र लेने का। जब उन्होंने ऐसे बोले, ओ माता कोई पर कोई पर बैठे पर बैठे कहीं बैठ जाए, जब कीर्तन होगा दे जाना। इसलिए जब उसको बोले ये पितृपक्ष में दीक्षा मंत्र लेना क्या, जो रुक जा कुछ दिन, इतने में वो रुक गया। जब रुक गया उस दिन बाद में हठात उसकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई, अभी उसने जा करके एक राजा का घर में एक हाथी जन्म, हाथी रूप में जन्म हुआ है, लेकिन उसका जो पत्नी ने जो दीक्षा मंत्र ली थी उसी राज्य में वो राजा की राजकुमारी विदर्भ दे सकी, राजकुमारी बन करके उसने जन्म ली। क्यों, जो भक्ति की है और इतने सुंदरी बन करके आई जैसे विश्व सुंदरी, सारा दुनिया की राजा तरस रहते उसको साथ में शादी करने के लिए, पर जन्म भक्ति की है ना, इसलिए ये भक्ति कभी घटती नहीं, ये भक्ति हर जीवन में घटती है। इसलिए मीरा कहती है ना, दीन दीन बढ़त सबायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। इसलिए भक्ति कभी भी घटेगी नहीं, भक्ति हर जीवन में ये भक्ति बढ़ती है। इसलिए राजकुमारी बन करके आई, अभी राजकुमारी बनी तो वहाँ पर स्वयंवर सभा हुई, बड़े बड़े देश के राजा लोग आए कि को विश्व सुंदर पीठ को पाने के लिए दुनिया तरसता था। अभी उसको हाथ में माला दी गई, अभी अपना उपयुक्त तो पति को वो चुने, लेकिन पूर्व जन्म में उसने भक्ति की, उसकी संस्कार बनी हुई थी। इतने में हठात उसने देखा वो हाथी को, वो सफेद हाथी को, वो हाथी को देख करके ना उसको पूर्व जन्म की बात याद आ गई, ये तो पहले जीवन में ये मेरे पति थे। लेकिन उसी समय में गुरुजी से दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते ये जानवर जीवन में आए। शंकर जी पार्वती को ये बात बताई, बोले इसी जीवन में जो भगवान की कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लेते हैं, बोले पशु जोनी अपनुआत, अगले जीवन में उसको जानवर जीवन में जाना पड़ता है। क्योंकि जो शरीर है ये टाटी पेशाब का एक थली है, जैसे ठाकुर जी को भोग लगाओ, अगर तुलसी पत्ता नहीं दे तो ठाकुर ग्रहण नहीं करते हैं। जब तक तो गले में हम तुलसी कंठी नहीं धारण करते हैं, दीक्षा मंत्र तिलक नहीं लगाते हैं, ये शरीर हमारी पवित्र नहीं होता है। ये शंकर पार्वती को कहते हैं ये बात को। अभी उसने हाथी को देख करके पूर्व जन्म की बात याद आई, ये तो पूर्व जन्म में मेरे पति थे। इतने में उसने जो माला ले करके ना, जो बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे किसकी गले में नहीं दी, उसने माला लेकर के सीधा वो हाथी को गला में डाल दिया। छोड़ाओ दुनिया आश्चर्य में पड़ गए, राजा लोग ठा लगा कर हंसे, बोले देखो इतने सुंदरी राजकुमारी, सारा दुनिया के इतने बड़े बड़े राजा आए, लेकिन ये माला एक
हाथी को गले में, जानवर गले में माला दिए, बड़े जोर से हंसे। इतने में राजा ने पूछा, बोले बेटी तुमने ये हाथी को गले में क्यों माला दी हो? बोले पिताजी ये मेरे पूर्व जन्म के पति थे, लेकिन मैंने नारद जी से दीक्षा मंत्र लेने का वजह से मैंने ये देश का रानी, मैं राजकुमारी बन करके आई हूँ, मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, लेकिन इन्होंने दीक्षा मंत्र लेने में देर कर दिए और ऐसे ही मृत्यु हुई, तो उन्होंने हाथी जन्म में आए, इसलिए ये पूर्व जन्म का मेरे पति है। इतने में श्री राजकुमारी ने फिर उन्होंने नारद जी को स्मरण की, बोले गुरु जी आप कृपा करके दर्शन दो, मेरे पति को भी उद्धार करो। जब स्मरण किया ना, नारद जी फिर वहीं पर प्रकट हो गए। बोले बेटी क्या बात है? बोले गुरु जी पहले जन्म में मेरे पति ने दीक्षा मंत्र नहीं दिए, इसलिए हाथी बन करके आए, इसलिए मैंने इनकी गला में माला डाल दी है, आप इसको इंसान का जीवन दो। नारद तो बड़े पहुँच हुए संत थे, सर पर हाथ रखते ही ना हाथी का जीवन बदल गया, बड़े सुंदर दिव्य उन्हें राजकुमार बने, राजकुमार बने। फिर गुरुजी उनको कान में दीक्षा मंत्र दी, फिर दोनों पति पत्नी दीक्षा मंत्र लेकर के भगवान की पास में जाते हैं। इसलिए यहाँ जब जब महाराज वहाँ पर जो श्लोक में लिखते हैं, कहते किसको किसको ले आओगे, बोले जो व्यक्ति विष्णु मंत्र में कृष्ण मंत्र में दीक्षा ग्रहण नहीं किया है, गले में कंठी तिलक नहीं, उनको ही पकड़ पकड़ कर मेरे पास में ले आओगे। उन्हें ये चार्ट बना दिए, इसलिए गले में कंठी और तिलक जरूर हमें धारण करनी चाहिए। फिर उन्होंने अजामिल में हरिद्वार में गए, फिर उन्होंने भजन किया, जब उनकी सिद्धि प्राप्त हुई फिर वैकुंठ से फिर रथ आया, फिर वही चार विष्णु दूत आए। जब आए इतने में अजामिल ने उनकी चरण छुए, उनसे बात किए, बोले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले बताओ। बोले पहले जब आप आए थे मैंने आपसे बात करना चाहता था, आपको प्रणाम करने चाहता था, आपसे स्वीकार किया नहीं, अभी आकर के बात कर रहे हो, हमारे प्रणाम को स्वीकार कर रहे हो, क्यों? बोले पहले जब तुमने एक बार श्री नारायण का नाम लिया था तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गया था, लेकिन वैकुंठ जाने का उपयुक्त तो तुम नहीं था, अभी हरिद्वार में भजन किया तो तुम्हारी हृदय में धीरे 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 ये प्रेम जागृत हुआ, और जब तक प्रेम नहीं हो तब तक हम किससे बात नहीं करते, चलो वैकुंठ चलो। फिर उनको लेकर के उन्होंने वैकुंठ गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए ये षष्ठ स्कंद में उन्होंने भगवान के नाम की महिमा बताई। भगवान के नाम अगर हम किसी तरह से भी, ठाकुर जी को नाम का अगर हम उच्चारण करें तो ये नाम हमें भगवत धाम को प्राप्त करा देगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय, जय श्री। अभी हमारे श्री विशाखा दीदी जी आपको कुछ बताना चाहते हैं, माइक दे दो, माइक दे दो। अरे वो भगवान वामन देव बना है भगवान, नारायण गोस्वामी नाम श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल गुप्ता श्री गुमाते श्री गोपाल चरण राय। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, फिर मंच पे आती हूँ, पूज्य वाशीधर महाराज जी को दंडवत प्रणाम, यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारियों को दंडवत प्रणाम, आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक मैसेज से आ गए, हम किसी के घर पर जाकर बुला नहीं पाए क्योंकि कमल दीदी के घर में काम था, रूबी का भी छोटा बच्चा था और मेरे में थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए आपको सिर्फ मैसेज दिया और आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी कि हम लोग जो है ऑनलाइन एक कोर्स करवाते हैं, उसमें गीता जी भागवत जी सिखाते हैं,
तो मैं चाहती हूँ आप लोग वो कोर्स की रजिस्ट्रेशन कराओ। उसमें यहाँ पे प्रीति है, इसको अपना नाम दे जाना जो जो वो सीखना चाहता है। पर आज आप ध्यान से एक चीज सुनो कि वो कोर्स की क्या जरूरत है, हमें क्यों करना है वो कोर्स। आप सब बोलोगे कि आप सब तो भक्ति कर ही रहे हो, है ना, सभी लोग मंदिर जाते हो, आप सब यहाँ कथा में भी सुनने आए हो, आप सब भक्त हो, आप सब भक्ति कर रहे हो। बस मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, आप में से कोई हाथ खड़ा करके बताओ भक्ति क्या है। आप सब भक्ति करते हो ना, ऐसा कोई भी नहीं जो कह दे मैं भक्ति नहीं करता हूँ, सब भक्ति करते हैं। जो कर रहे हो वो है क्या, बताओ हाथ खड़ा करके, भक्ति क्या है। अम्मा जी बता रहे हैं, उनसे बाहर हो रही, आप सब बताओ भक्ति क्या है। आप सब तो कर रहे हो भक्ति, क्यों नहीं पता आपको भक्ति क्या है, बताइए बताइए। जो भव से पार लगा दे वो भक्ति है, अम्मा जी कह रही है। और सार की भक्ति है, और कोई देखो हमारे साथ पूरे सेक्टर में से सिर्फ एक आभा दीदी हैं, हरी बोल आभा दीदी आओ। इन्होंने हमने ये कोर्स शुरू किया था जैसे ही कोरोना शुरू हुआ, दो साल पहले से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है ऑनलाइन कोर्स में। भक्ति क्या है ये दीदी बताएंगी। हरे कृष्णा, मैं श्री शर्मा, गुरु महाराज जी को, सब वैष्णवों को और सभी अपने गुरुजनों को सबको प्रणाम करती हूँ। जल्दी आ जाओ, लास्ट में आओगे सब बीच में, जल्दी आओ। अन्य किसी भी अभिलाषा को ना रखते हुए केवल और केवल कृष्ण की भक्ति का पालन करना ही अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मात्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। उत्तम भक्ति वो है जो किसी भी अभिलाषा को ना रखते हुए केवल किसी भी अन्य प्रकार के किसी भी जो हमारे कर्म होते हैं कि जैसे हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान के लिए या फिर किसी भी कर्म के लिए कि हमें ये मिल जाए या वो मिल जाए, लेकिन वो सब ना चाहते हुए केवल कृष्ण अनुकूल जो भक्ति के अनुकूल कर्म है उनको करके कृष्ण का भजन करना ही उत्तम भक्ति का लक्षण होता है। ये परिभाषा कभी किसी ने सुनी भक्ति क्या है, ये इन्हें पता है भक्ति नहीं है। भक्ति जो शास्त्र में लिखी गई है उसके अनुसार करना भक्ति है। शास्त्र मतलब क्या, जो शासन के द्वारा हमारा त्राण करे, त्राण मतलब क्या, उद्धार करे। हमने अभी तक अपने जीवन में कोई भी शासन अपनाया नहीं। शासन मतलब क्या, जैसे कोई एक टीचर पढ़ाते शासन करता है ना, यूनिफॉर्म पहन के आनी है, जब हिंदी की क्लास है हिंदी ही पढ़नी है, छुट्टी के टाइम पे बाहर जाना है उससे पहले बाहर नहीं जा सकते, शासन में रहते हो ना। तो आपने अपने जीवन में शास्त्र के अनुसार क्या शासन अपनाया, और हम कह रहे हम तो भक्ति करते हैं, नहीं, ऐसे मनमाने ढंग से भक्ति नहीं होती। शास्त्र के अनुसार एक एक चीज को तत्व से समझकर भक्ति है क्या, भक्ति क्यों करें। इसमें दीदी ने बताया, इसको बहुत डिटेल में महाराज जी समझाएंगे आगे आगे कथाओं में, आप सुनोगे कि भक्ति क्या है। यदि हम सारी चेष्टाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं तो
तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने दिमाग में आज सोचना, मेरे घर में गोपाल जी मैंने रखे हुए हैं, क्या मैं उनको खिलाती हूँ, भोग लगा रही हूँ? कुछ लोग लगाते भी हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, माखन मिश्री का भोग सुबह लगा दिया, किशमिश खिला दी, हो गई छुट्टी। हमने भक्ति करी, हमारे घर में तो लड्डू गोपाल जी हैं, भोग भी लगाते हैं। अरे जिस तरह तुम तीन समय प्रसाद पा रहे हो गोपाल जी को, क्यों नहीं तुम प्रसाद बना रहे, तीन टाइम क्यों नहीं खिला रहे? क्यों? क्योंकि उसमें प्याज लहसुन को छोड़ना पड़ेगा। ये है शासन शास्त्र का, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, तब भक्ति होगी। मनमाने ढंग से भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए जैसे आपने अपने स्कूल की पढ़ाई करी ना, कितने कितने साल दिए, 14, 15, 16, 16, किसी ने एमए की होगी 16 साल दिए, बीए की होगी 14 साल दिए। क्या ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम एक साल शास्त्रों को सीखने के लिए नहीं दे सकते? हम मनुष्य हैं, पशु जीवन नहीं मिला हमें। कुत्ता को हम गीता का श्लोक नहीं सिखा सकते, वो राम राम नहीं बोल सकता। हमें भगवान ने स्पेशल जीव दी है जिससे राम राम बोल सकते हैं। भगवान कौन है? भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया वो हमारे लिए दिया, कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं दिया। हमारे लिए भगवान ने इतनी मेहनत की, गीता जी का उपदेश दिया, श्रीमद् भागवत जी प्रकट की, परीक्षित महाराज और सुखदेव जी द्वारा, हम उन्हें खोले भी नहीं। कोई सिखा रहा है, हम उससे पूछे भी नहीं जाकर, तो हमसे बड़ा आत्मघाती कौन? बहुत सुन रहे हो ना, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ। तो इसलिए जरूरी है शास्त्रों को सुनना और याद रखना। हम जो शास्त्र पढ़ा रहे हैं उसमें आपको हफ्ते में एक दिन एक श्लोक याद कराएंगे, हफ्ते में एक दिन एक प्रार्थना याद कराएंगे, भजन याद कराएंगे। भजन मतलब ये नहीं होता कि बस नाच लो, जो मन आए फिल्मी गानों पे गा लो और नाच लो और खुश हो जाओ। अरे हम तो 2 घंटा भजन रोज करते हैं, ये भजन नहीं है। भजन मतलब क्या? रो रो के ठाकुर जी को पुकारना, अपनी परिस्थिति समझाना, हे ठाकुर जी अनंत जन्मों से मैं मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, कब ऐसा दिन होगा मेरा भी उद्धार होगा, कब मैं जन्म मरण के चक्र से छूटकर वापस आपके शरण आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। इस तरह से प्रार्थनाएं होती हैं भजन, ये सब प्रार्थनाएं सिखाते हैं। सुबह 1 घंटा चैंटिंग क्लास करवाते हैं, शाम को 1 घंटा चैंटिंग क्लास करवाते हैं। उसमें मोबाइल में ही आप बैठ सकते हो, आप देख रहे हो कि वहाँ पे 50 जने और बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी उत्साह आएगा, अरे ये लोग कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। अभी अकेले में भजन नहीं हो सकता, आप बोलो हम तो कर लेंगे, नहीं होगा। अभी 7 दिन आपके अंदर उत्साह है, 7 दिन के बाद जब ये कथा सुनने को नहीं मिलेगी ना, सब भूल जाओगे, सब घर गृहस्थी में लग जाओगे, कोई सोचोगे नहीं। इसलिए अभी उत्साह है ना कि हमें भजन करना है। महाराज जी से दिन प्रतिदिन यही सुन रहे हो, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो अभी आप आगे इसको कंटिन्यू रखो तो ये रंग आप पे आएगा, फिर आप दृढ़ता से भजन करोगे, पक्के होके भजन करोगे। इसलिए जिस जिसने इस कोर्स को ज्वाइन करना है, ये प्रीति को अपना नाम लिखवा देना। एक तो ये है बड़ों के लिए, और एक मैं चाहती हूँ हमारे छोटे बच्चे, जैसे आपने कल सुना था ना, इन बच्चों को कोरोना से पहले सिर्फ मैंने 1 महीना सिखाया था, 1 महीना के अंदर इन्होंने 7 श्लोक याद रखिए, और 2 साल हो गए ना कोरोना चले, 2 साल के बाद भी कल इनको याद थे वो श्लोक। देखो बच्चों का दिमाग कितना तेज होता है। मैं बच्चों को नाटक के जरिए भगवान की लीलाएं दिखाना याद करवाना चाहती थी। इन बच्चों ने महाराज जी रामायण तैयार करने थी, उसके लिए गदा धनुष तलवार सब बना लिए थे, वो कोरोना बीच में आ गया, नहीं तो अक्टूबर में ये बच्चे आपको रामायण करके दिखाते। इतने उत्सुक हैं ये बच्चे, परसों ही कराएंगे, परसों कथा में कराएंगे। अभी इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगे महाराज जी,
अभी क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिला ना, तो वो बच्चे सारे अपना अपना रोल याद कर रहे थे, गदा धनुष तलवार सब तैयार कर लिया था, हम रामायण करेंगे। तो ये बच्चों को थोड़ा टाइम में ये बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी गुरु बहन है वृंदा दीदी। दीदी आ गए क्या आप? ये वृंदा दीदी है, ये मेरी बड़ी गुरु बहन है। बड़ी मतलब उम्र में नहीं, ये मेरे गुरु महाराज जी से मुझसे पहले मिली, तो ये मेरी बड़ी गुरु बहन है। मेरे बच्चों को भी जो आरतियां याद है ना, वो इन दीदी ने सिखाई है। हमारे गुरु जी ऐसे करते थे, जैसे कथा चल रही है ना, तो सारे बच्चों की क्लास अलग करवाते थे, ये दीदी वो क्लास लेती थी, अलग ले जाके सब बच्चों को श्लोक याद करवाना, नाटक सिखाना और कथा सिखाना। तो आगे से दीदी ये बच्चों की क्लास लिया करेंगी। तो जिनको अपने बच्चों की क्लास करवानी है, वो भी नाम प्रीति को देके जाना, स्पेशल बोल के हमारे बच्चे का नाम ये है और हम बच्चों की क्लास करवाना चाहते हैं। तो ये नाम आज आप लिखवा कर जाना। और तीसरा देखो, अब आप इतना सुन रहे हो भगवान का नाम करना, नाम करना, नाम करना, तो नाम ये भी करना है। देखो जैसे स्कूल की पढ़ाई करनी है तो कहीं ना कहीं एडमिशन लेके करना होता है ना, ऐसे तो नहीं मुझे पढ़ना है बस किताब लाई और सीख ली, कहीं एडमिशन होता है। एडमिशन भी रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज स्कूल में करवाते हैं ना, कोई घर में खोल ले कितना सुंदर खोल ले, आप नहीं भेजोगे ना अपने बच्चे को, देखोगे कि CBSE से रिकॉग्नाइज है उस स्कूल में भेजोगे, क्योंकि वहाँ की डिग्री आपके बच्चे के काम आएगी। इसी तरह हमें हरि नाम भगवान की शिक्षा कोई ऐसे ही कर ले, नहीं, भगवान ने बताया है चार संप्रदाय हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिन संप्रदायों से दीक्षा यदि लोगे तो तुम मेरे तरफ आ सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो। उन्हीं में से एक संप्रदाय है हमारा ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। तो आप बहुत भाग्यवान हो कि महाराज जी आए हुए हैं, क्यों नहीं आप भी अपने स्कूल में एडमिशन करवा लेते। देखो आपके सामने अब हमारे यहाँ पर कुछ भाई बहन बन गए हैं, प्रीति है, इसने स्कूल में एडमिशन ले लिया है, हम लोग अभी स्कूल में एडमिशन ले लिए हैं, ये कमल है जिसके घर में कथा चल रही है, रूपी है जिसने कथा करवाई है, कमल है जिसने कथा करवाई है, अम्मा जी हैं, ये सब ने महाराज जी से माला लेकर सब हरि नाम करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है भजन करना, मुश्किल लगे तो इन सबको देखो, इसके बहुत छोटे बच्चे हैं, इसकी तबीयत भी खराब रहती है फिर भी कर रही है ना प्रीति। आभा दीदी की भी परेशानी है, आप सबको पता है, फिर भी कर रही है ना भजन। अम्मा जी की उम्र देखो, फिर भी कर रही है ना भजन। इसलिए भजन कुछ मुश्किल नहीं है, बस दृढ़ता लानी है। तो कल सुबह 8 बजे जिसको भी हरिनाम लेने की इच्छा हो, वो खाली पेट यहाँ पर कमल दीदी के घर आ जाए, महाराज जी उन्हें माला दे देंगे। तो ये अवसर खोइएगा नहीं। गीताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। हाँ देखो, हमारे विशाखा जी ने कितने उत्साह दिया है। मैंने पहले आपको बताया था, आपको याद होगा, हमारे बड़े गुरु जी को, ध्यान देकर सुना, हमारे बड़े गुरु जी को किसी ने कहा, गुरुदेव बच्चे बात नहीं सुनते, ये घर घर की कहानी। गुरुदेव बोले, बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को रामायण कभी पढ़ाया है? बोले नहीं। गुरुदेव बोले, जो रामायण पढ़ेगा पढ़ेगा नहीं, बच्चों को जो रामायण पढ़ेगा दुर्गति तो उसकी होगी, क्योंकि कहाँ पर बताया गया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, कहाँ कौन सा ग्रंथ है, ये रामायण में बताया गया। इसलिए कहते ना, प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरणा छूते थे। अब रामायण देखे हैं, कौन कौन रामायण देखे, अब देखना, जब दशरथ महाराज सैन्य किए हुए, भगवान स्वयं विश्व ब्रह्मांड का मालिक दशरथ महाराज के चरण की सेवा करते हैं, देखे कि नहीं। आप बताओ तो आपका घर में कौन ऐसे बेटा है जो सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूता, कोई छूता है बेटा? एक दो माता हाथ उठाते, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ भगवान राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? 14 साल के लिए। क्यों गए थे? दशरथ महाराज की पितृ आज्ञा पालन कर, दशरथ महाराज की नहीं। अब रामायण देखे होंगे, दशरथ महाराज तो मना कर रहे थे, बेटा मत जा, लेकिन पिताजी की आज्ञा उल्लंघन नहीं हो
कितना रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई भरु बचन न जाई। उन्होंने बीमा का कई कई की आदर से पालन करने के लिए 14 साल के लिए ठाकुर वनवास गए ना। अब अपना बच्चे को बोलो बेटा 14 दिन के लिए पिता माता की सेवा के लिए कहीं जाओ, बताओ बेटा जाएगा कि नहीं। वो 14 दिन के लिए हनीमून मनाने के लिए जा सकता है, लेकिन पिताजी की सेवा के लिए नहीं जाएगा। गुरु जी कहते थे कारण हम रामायण पढ़ते नहीं, रामायण पढ़ाते नहीं, और बच्चे को स्मार्टफोन दे देते, बोला ले बेटा पबजी देख दिन भर है, और उसमें कार्टून देखते रहे। गुरु जी कहते थे इसलिए हमारी धर्म की इतना दुर्गति है, इसलिए जो विशाखा दीदी जो काम करा रही हैं, बच्चों को पर संस्कार पढ़े, सवेरे पिता माता की चरण छुए, पिता माता की सेवा करे, आदेश पालना करे, ठीक है ना। इसलिए अगर आप लोग ये कोर्स करोगे तो तुम्हारे बच्चे अच्छे संस्कारी बनेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे, ठीक है। अब सब बच्चों को इसमें ऐड कर देना, अच्छे संस्कारी बने। कोई भी मुसलमान बच्चे को पूछो सब कुरान उसको याद है, वो सब कुरान याद है, लेकिन हमारी बच्चे को पूछो कुरान याद है, सारे हीरो हीरोइन का नाम याद होगा लेकिन गीता का कोई भी श्लोक याद नहीं होगा, रामायण का कोई चौपाई याद नहीं होगा। बोले इसका कारण क्या है, बोले ये हमारी दुर्भाग्य है, हम बच्चों को अंदर में कोई संस्कार नहीं डालते, ठीक है। इसलिए आप लोग जोड़ना, अभी भगवान श्री वामन देव आ रहे हैं, अभी भगवान वामन देव आएंगे, प्रभु जी आपको भगवान वामन देव की कथा सुनाएंगे, इसके बाद में हमारे श्री कृष्ण कन्हे आएंगे। हाँ देखो आज तो भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, कल कथा में श्री राधा रानी जन्म लेगी, इसलिए आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो, अरे बोलो पीला रंग के, कल कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगे, गुलाबी रंग के, ठीक है ना, क्योंकि राधा रानी का जो चुंदरी का रंग है गुलाबी रंग, और जो गुलाबी रंग है वो प्रेम का रंग है, ये अनुराग का रंग है, राधा रानी कौन है, ये प्रेम की मूर्ति मान श्री राधा रानी। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वामन भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधा। भैया उधर कोई लाइट नहीं, सब अंधकार हो गया, भैया लाइट वाले माइक वाले लाइट तुम्हारी नहीं है, लाइट वाला कहाँ गया, देखो उधर लाइट है ना, हाँ बोलो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदसी गौर भक्तवृंद। सब लोग एक बार हाथ उठा के बोले, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत लसीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नितलीला प्रविष्ट विष्णु भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तवृंद कथा श्रवणकारी माताएँ वैष्णवी सबके चरणों में अधम का यथाशक्ति दंडवत प्रणाम स्वीकार है। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम कथा श्रवण करते करते आज अभी सप्तम स्कंद के कथा प्रसंगों को श्रवण करेंगे। ये सप्तम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी ने समुद्र मंथन के चरित्र को वर्णन करते हुए बता रहे हैं, समुद्र मंथन करते हुए देवता और असुरों को कार्य को साधन करने के लिए भगवान ने चार अवतार लिया। कितना अवतार लिया भगवान ने, 4 अवतार लिया समुद्र मंथन के लिए। पहले तो समुद्र कैसे मंथन किया जाएगा, समंदर में कुछ बड़ा भारी चीज रख के फिर मंथन करने के लिए कोई रस्सी चाहिए, और बड़ा भारी चीज क्या है, जगत में सबसे बड़ा उस समय का जो शिला था वो है मद्राचल पर्वत,
अब देवता मद्राचल पर्वत को लेने जाते हैं लेकिन उठा नहीं पाते, तो भगवान ने तब हरि रूप धारण किया और एक देखते ही गरुड़ के पीठ के ऊपर बैठ के गए और अपने बाएं हाथ से मद्राचल को उठा करके समुद्र के बीच में स्थापन कर दिया। अब रज्जू की आवश्यकता हुई, रस्सी कैसे बनाया जाए, मंथन होगा ना, तब पाताल लोक से स्वयं नागराज को वासुकी को बुलाया गया। अब समुद्र मंथन हुआ तो धीरे धीरे मद्राचल डूबने लगा। तब भगवान ने अपने द्वितीय अवतार ग्रहण किया, वह कूर्म कश्यप अवतार। कछुए के रूप धारण करते हुए भगवान ने मद्राचल को अपने पीठ के ऊपर धारण कर दिया। बोलो भक्त, बोलो कश्यप अवतार भगवान की। फिर भगवान ने धन्वंतरी अवतार लेके अमृत कलश को प्रकट किया और देखा कि अमृत कलश को लेने के लिए देवता और असुरों में भागदड़ी मच गई। देवता बोलते हैं अमृत हम पियेंगे, असुर बोलते हैं अमृत हम पियेंगे। तब भगवान ने अत्यंत सुंदर मोहिनी रूप को धारण किया और देवता को तो अमृत पिला दिया और असुरों को सुरा पिला दिया। ऐसे इसी बीच में वहां पे राहु नामक एक दैत्य था, उसने पता चला भाई कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है। वो देवता के रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान को जैसे ही पता चला, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राहु दैत्य को गला को छेदन कर दिया। जिस जिस जगह पे राहु दैत्य का खून गिरा उसी उसी स्थान पे प्याज लहसुन का उत्पत्ति हुआ। देखो ये प्याज लहसुन कितना खराब चीज है, ये प्याज लहसुन खाने से सीधा राक्षसी बनते हैं। देखना जो जो लोग शाकाहारी होते हैं और राक्षस स्वभाव, मतलब उनका सींग आँख बड़ा बड़ा नहीं है, स्वभाव राक्षस जैसा, लेकिन जो प्याज लहसुन खाते हैं उनका जो बड़े ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बड़े तेज, उनका दिमाग इतना नहीं चलता। लेकिन जो प्याज लहसुन शाकाहारी है नहीं खाते, उनका दिमाग हर समय सात्विक प्रकृति रहते हैं और हर समय उनका दिमाग ठंडा रहता है, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। उसके पश्चात देवता और असुरों में भयंकर संग्राम हुआ। देवता और असुरों के युद्ध में असुर तो मदिरा पी पी के सब डामाडोल हो रहे थे और